नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजनीति में जो नेताओं के जीत में अहम भूमिका निभाए और अपना हक नहीं मांगे, वही नेताओं और पार्टियों के लिए सबसे मुफीद होता है। भारतीय राजनीति में दशकों से ऐसा होता भी आया है और शायद आगे भी होता रहेगा, लेकिन अब वक्त थोड़ा बदला है। लोग अब वोट के बाद अपने हकों की मांग भी करने लगे हैं। हमेशा से कहा जाता है कि पार्टियां वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। राजस्थान में भी चुनावी साल चल रहा तो समझा जा सकता है कि हालात कैसे होंगे। हर कोई चुनावी मौसम में अपनी आवाज बुलंद करने पर लगा है और इस बार अल्पसंख्यक ने भी अपनी नुमाइंदगी करते हुए राजस्थान में अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे में इनको अब तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली पार्टियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि आखिर इनकी मांगों पर कितना गौर किया जाए, क्योंकि अगर वोट नहीं मिलता है तो भी मुश्किल, तो भी दिक्कत। वोट मिलता है तो अच्छी बात, लेकिन वोट मिलने के लिए, वोट पाने के लिए इनकी बातों को सुनना, समझना और पूरा करना होगा। फिलहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे न्यूज एंड व्यूज में। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमेशा से कहा जाता रहा है कि पार्टियां वोट के लिए कुछ भी करती हैं। राजस्थान में चुनावी साल है तो हर कोई चुनावी मौसम में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस बार दारुल कजात के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद उस्मानी ने आवाज बुलंद की है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मानी ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोपों का मलबा फेंका। खालिद उस्मानी ने कहा कि दोनों पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं। दोनों पार्टियां मुसलमानों के साथ सौतेला बर्ताव करती हैं। पार्टियां मुसलमानों के वोट को तो हक से लेना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों के हक को पार्टियां नहीं देती। हमारी पार्टियां देश के अंदर सिर्फ अपने निज स्वार्थ के लिए हमारा उपयोग करती हैं। एक पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों से डरा के और वोट प्राप्त कर रही है, तो दूसरी पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों से को डरा के, मुसलमानों को डरा के वोट प्राप्त करना चाहती है। इतना ही नहीं, खालिद उस्मानी पार्टियों पर मुसलमानों को धमकाने और डराने का भी आरोप लगा रहे। उस्मानी ने कहा कि देश के हालात ऐसे हैं कि सियासी पार्टी या तो मुसलमानों के नाम पर डराकर वोट मांगती है या फिर मुसलमानों को ही डराकर वोट मांग लेती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी को चेतावनी देते हुए उस्मानी ने कहा, ऐसे ही मुसलमानों की बेकदरी होती रही तो मुसलमान किसी थर्ड पार्टी का रुख कर सकता है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। और अब थर्ड पार्टी का जिक्र होने लगा है, क्योंकि अगर वाकई में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो कभी न कभी इंसान को बात समझ में आती है तो वो अपना पाला बदलता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। मुकेश पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, खालिद उस्मानी साहब हैं, चीफ काजी हैं राजस्थान, जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी इस वक्त हमारे साथ है, गजेंद्र सांकला साहब है, कांग्रेस नेता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। खालिद उस्मानी साहब, सबसे पहले आपसे ही दरअसल शुरुआत करेंगे, क्योंकि इधर कांग्रेस के इधर बीजेपी के दोनों लोग आपके बगल में बैठे हैं और जिन पार्टियों पर आपने कहा है कि सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हमारी बातों को सुना नहीं गया है, एक डराती है, एक डरा के डर अंदर पैदा करके वोट ले लेती है, आपकी बात अब यहां पर इस मंच पर आप रखिए ताकि दोनों लोगों से बारी बारी से हम जवाब ले सकें। उस्मानी साहब, देखिए, मेरा एक निवेदन है। सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ और मेरा कोई धर्म जातियों के किसी भेदभाव से कोई लेना देना नहीं, आज भी नहीं, पहले भी नहीं था, ये सब जानते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हमें कुछ सही नहीं लगता तो हमें बोलने का अधिकार है, प्रजातंत्र में हमारा ये परम अधिकार है कि हम उसका उपयोग करें, अपनी बात कहें। दूसरी बात ये है कि मैं चूंकि ऑल इंडिया दारुल कजात का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मैं बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, मैं मुसलमान के पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। अभी बहुत जगह इलेक्शन है, मैंने ये स्थिति एमपी में भी देखी कि एमपी के अंदर 7% मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ पर
जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए जाते हैं उस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चार टिकट हमें 230 सीट में से सिर्फ चार टिकट एमपी के अंदर दिए गए और चार टिकट से आप लगा सकते हैं कि अगर हम 7% वाए हैं तो हमें 200 सीट के ऊपर हमें परसेंटेज वाइज कितनी सीटें मिलनी चाहिए, यानी हमें वहां पर कम से कम अगर हम 100 पे 7 माने तो 14 और 16 सीटें हमें वहां पर मिलनी चाहिए, जबकि वहां हमें दी गई सिर्फ 4 सीट्स। यह हमारे पास एमपी का आंकड़ा है और एमपी के अंदर हमने बात भी की। हम ठीक उसी तरह आज यहाँ राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में 200 सीटें हैं और यहाँ तकरीबन 12-13% का आंकड़ा राजस्थान के मुसलमानों का है, तो 12-13% मुसलमानों का आंकड़ा अगर है तो हमें या तो कम से कम 24-26 सीटें हमें यहाँ पर टिकट मिलने चाहिए और हमारे यहाँ पर उतना अधिकार हमें मिलना चाहिए जितना एक अधिकार हम अपने आप को पूर्ण रूप से किसी पार्टी से ज्यादा उम्मीद करते हैं। हमारे पार्टी से ज्यादा उम्मीद करते हैं दरअसल। हाँ बोलिए, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा मुसलमान बीजेपी में जुड़ा हुआ है और निष्ठाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी निष्ठा बीजेपी से भी है और हमारा मुसलमान कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, निष्ठाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी निष्ठा है कांग्रेस से भी है, जो जिस पार्टी को रखता है ये देश की प्रजातंत्र में उसको अधिकार है वो किसी भी पार्टी से जुड़े, मगर पार्टी के अंदर जाने के बाद उस पार्टी की व्यवस्थाओं को क्या है। और रहा सवाल ये, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मुसलमान ज्यादातर कांग्रेस की तरफ ही जुड़ा हुआ है और उसका अधिक से अधिक जो है वो रुझान और वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता है, तो कांग्रेस की स्थिति जब ऐसी आ जाती है कि कांग्रेस में मुसलमान की स्थिति ऐसी देखी मैंने मंचों पर कि जो पहली लाइन होती में बैठते थे किसी जमाने में मुसलमान को पहली सफ में बिठाते थे, पहली लाइन में बिठाते थे, आज वो पीछे मंच के भी पीछे कुर्सी भी नहीं दी जाती खड़ा है। ठीक है उस्मानी साहब, ये सवाल सीधे हम क्या करें, हमारी यही सवाल दागते हैं सांकला साहब के पास। सांकला साहब, पहले कुर्सी पर आगे बिठाते थे, बिल्कुल मंच के सामने जगह होती थी, आज पीछे भी जगह नहीं मिलती, 16 सीटों को लेकर क्या कहेंगे आप? जी चूंकि सबसे ज्यादा वोट ये जग जाहिर है कि आप ही की पार्टी को मिला है। देखिए यार साहब, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आज से नहीं है, जब से कांग्रेस का उदय हुआ और इस देश की आजादी के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने आजादी के नेताओं का नेतृत्व किया, उस समय सभी धर्मों के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने मिल करके इस देश की आजादी के अंदर अपनी बहबूदी और अपना योगदान दिया और आजाद हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस का बहुत अच्छा और बहुत स्पष्ट। सांगला साहब सीधे मुद्दे पर आइए सर, समय कम होता है इसलिए मुद्दे पर आइए। जो इन्होंने सवाल पूछा सर उसका जवाब सीधे सीधे कट टू कर दीजिए ना, समय कम है हमारे पास। बिल्कुल सीधा सा सवाल है सर कि राजस्थान की चाहे पीछे लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटीज को उचित प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की। तो फिर आरोप क्यों लग रहे हैं, जहां तक फिर आरोप क्यों लग रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं हम? जी फिर आरोप क्यों लग रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? 16 सीटें मिलेंगी क्या कांग्रेस की तरफ से, परसेंटेज के हिसाब से 16 सीटें मिलेंगी क्या? चुनाव हो चाहे कांग्रेस देगी क्या, हो चाहे राजस्थान की कैबिनेट की बात हो, लोकसभा की कैबिनेट की बात हो, तमाम जगह उचित प्रतिनिधित्व देने में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं हिचकती और कांग्रेस तो इस बात को लेकर के चलती है कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के अकलियत के भाई हैं या उनके साथ दूसरे लोग भी हैं, चाहे वो जैन समाज के हैं या दूसरे समाज, उनको भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जबकि माइनॉरिटी बहुत बड़े लेवल पर कांग्रेस के साथ रहती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। उस्मानी साहब कोई कसर नहीं है, उस्मानी साहब संतुष्ट हैं सांकला साहब के बयान से? जरूर है कि चुनाव की पॉलिटिक्स होती है, संतुष्ट हैं आप? पिछले इलेक्शंस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, पिछले इलेक्शन के अंदर राजस्थान के अंदर सिर्फ 16 सीटें कांग्रेस की तरफ से दी गई और बीजेपी की तरफ से सिर्फ 4 सीटें दी गई। ठीक है, मैं कहना यह चाहता हूं कि 16 सीटें हमारे जो 200 सीट्स हैं उसके अनुसार 16 सीट हमें कितने परसेंट के ऊपर मानी गई और बीजेपी में हमें सिर्फ 4 सीट दी गई और फिर ये कह दिया गया कि भाई ये तो जीतते नहीं है इसलिए इनको हम टिकट नहीं देते क्योंकि जीतते ही नहीं। अच्छा। तो फिर ये जीत और हार का फैसला तो जनता पे छोड़ना है, ना कि इस बात पे पार्टी को विचार करना है कि जीते तो हम देंगे और हारे तो हम नहीं देंगे, ये तो जनता के ऊपर है कि जो प्रतिनिधित्व करने के लिए वो व्यक्तित्व जो भी खड़ा हुआ है। आपका सवाल सीधे पारिक साहब के पास, क्या चलता है पारिक साहब? चीज पूरे मामले पर खालिद उस्मानी साहब के बयान को आपने तब भी सुना था, आप भी सामने बिल्कुल हैं, अब बताइए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है? 4 सीटें किस आधार पर दी गई थी और किस आधार पर
अब तक उनको जो वाजिब हक कहा जाता है उनके हिसाब से वो अब तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन पंच निष्ठाओं पर हमारी जो संगठन है, पार्टी है, उसमें हमारी एक निष्ठा है सर्वधर्म संभाव। हम सभी धर्मों को साथ लेके और सभी धर्मों का आदर करते हुए हमारी पार्टी का कार्य करते हैं। और जब चुनावों की बात आती है और जब चुनाव में उतरते हैं, अब आप परिणाम पर आ जाइए। कांग्रेस ने जो टिकट दिए, हमने 4 दिए, हमारे 2 विधायक मुस्लिम समुदाय से बने, कांग्रेस के कितने बने उन टिकटों में से। देखिए, जब हम टिकट देते हैं जिसको भी, उसके पीछे मंशा ये होती है कि सिर्फ इसलिए नहीं देते कि उनको प्रसन्न करना है या कोई तुष्टिकरण की बात करनी है, उसके पीछे भावना ये होती है कि हमारा उम्मीदवार जो खड़ा हो, किसी भी धर्म का उम्मीदवार खड़ा हो, उसकी जीत हो और वो जीत के विधानसभा में पहुंचे, ठीक है, और उसी को आधार मान के विधानसभा में हम टिकट देते हैं। हमारे लिए जितने उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवार का जब हम चयन करते हैं तो उसमें हमारे में एक और कांग्रेस में एक फर्क है। हमारे उम्मीदवारी का जब चयन के समय पार्टी का कार्यकर्ता हो, वहां पर जीतने की उसकी क्षमता हो, जनता में उसकी स्वीकारता हो, कार्यकर्ताओं में उसकी पैठ हो, इन सब चीजों को देख के, उसका धर्म को आधार ना मानते हुए पहले इन सब चीजों को देखा जाता है। नहीं सर, पारिक साहब, ठीक है, मैं समझ गया आपने जो बातें कही है, लेकिन एक बात बताइए, जब कांग्रेस कह रही कि भाई हमने पूरा न्याय किया है, बीजेपी कह रही हमने पूरा न्याय किया है, फिर दिक्कत इनको कहां से आ रही? क्यों उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के तौर पर हम इस्तेमाल होते हैं, हमें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उतनी जगह नहीं मिलती जितना हमारा हक है, जितना होना चाहिए? वो आरोप लगा रहे हैं आप दोनों, पल्ला साहब पूरा झाड़ के बोल रहे हैं कि भैया हमने तो बिल्कुल न्याय किया है, और आरोप आप ही दोनों पार्टियों पर है, ऐसा क्यों? बोलिए बोलिए, आप पारिक साहब, आपसे ही सवाल है। हाँ सर, यादव साहब, पारिक साहब आपसे ही सवाल है। मेरे नहीं, हमने हम पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रहे। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने अभी कहा कि हमको, वैसे तो जवाब इनको देना चाहिए था, इन्होंने कहा कि सामान्यतः अल्पसंख्यक हमको ही अधिक वोट देते हैं, इन्होंने खुद ने इस बात लेंगे जवाब अभी उनसे भी लेंगे, नहीं कहा कि हमको वोट नहीं देते हैं। तो नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो एक्चुअल में जवाब तो इनका बनता है इस बात के लिए, लेकिन मैं आपको पुनः यही बात दोहराना चाहूंगा कि हमारा आधार कहीं भी ये नहीं है कि हम सिर्फ इस बात के लिए कि हम किसी धर्म विशेष को खाली प्रसन्न करने के लिए उनको टिकट दे दें। हमारे उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जिस उम्मीदवार को हम टिकट दें वो चुनाव जीते, और उम्मीदवार बनने के साथ साथ उसका चुनाव में जीतना भी निश्चित हो, उसी आधार पर हम टिकट देते हैं। सिर्फ प्रसन्न करने के लिए या उनके और जगह के वोट लेने के लिए हम कभी इसलिए उनको ये कोशिश नहीं करते कि भले ही वो हार रहा हो लेकिन उनको वहां पर टिकट देके और हमको दूसरी जगह से उनके वोट मिल जाएंगे या वो प्रसन्न हो जाएंगे, ये आधार भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती। सांगला साहब, बीजेपी कह रही हमने 2 को टिकट दिया, 4 को टिकट दिया, 2 जीते, 1 मंत्री बना दिया, 1 विधायक। भैया आप लोग किस आधार पर तय करते हैं, और वाकई में अगर सब कुछ आपकी तरफ से सही होता तो ये शिकायत क्यों मिलती है उस्मानी साहब की तरफ से? ऐसा है यादव साहब कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। निश्चित रूप से हमारे साथ अकलियत के भाई बड़ी संख्या के अंदर जुड़े हुए हैं और उसका फायदा उनको मिलना उनका हक भी है और हम उस हक को बजा कर देते हैं। अच्छा। मेरे साथी अभी पारिक साहब बता रहे थे कि हम इनको प्रतिनिधि देते हैं, अभी आपके सामने यूपी का इलेक्शन हुआ है, इतनी बड़ी असेंबली के अंदर इनको 1 टिकट देने की फुर्सत नहीं मिली, इसका मतलब एक भी व्यक्ति, इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति काबिल नहीं था, और अकलियत के लोगों को कहीं पर भी तो नहीं मिलना चाहिए था। इसी तरीके से लोकसभा उठा करके आप देख लीजिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और उन्होंने मौका देने की हमेशा कोशिश की है। पारिक साहब, इस बात का जवाब चाहिए के अंदर भी, और ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे कहते हैं सर्वधर्म को लेकर चलते तो भाई यूपी का क्यों प्रतिबद्ध है, यूपी में ऐसा क्यों किया गया था कि 1 भी सीट नहीं दी गई? क्या हर राज्य की पॉलिसी अलग बन जाती है? क्या हर राज्य के हिसाब से बयान अलग हो जाता है? क्या बताया था? नहीं, अगर नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होता। राजनीति में धर्म का आदर और टिकट देना, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। सर ये बताइए, बात बताना, सुनिए सर, 23 करोड़ की आबादी लगभग है यूपी की, धर्म के नागरिकों और मुसलमान वोट बैंक भी अच्छा खासा 17-18% के आसपास आराम से है। सर क्या आपको उसमें एक भी नहीं लगा था कि कोई जीत सकता है उम्मीदवार? मैं मुसलमान को वोट बैंक कहना नहीं, मैं मुसलमान वोट बैंक कहने को मुसलमान का अपमान मानता हूं,
कोई व्यक्ति वोट बैंक नहीं हो सकता, कोई धर्म वोट बैंक नहीं हो सकता। वोट तो एक बहुत, वोट तो एक बड़ा आदरणीय नाम है, उसको आप वोट बैंक कहके मेरे मान छोड़िए सर, आप हम भी नहीं चाहते कि आप उनको वोट बैंक माने या किसी समुदाय को लेकर कहें, लेकिन सर 403 विधानसभा सीटों में यानी 403 विधायकों को जो टिकट दिया गया था आपके यहां से प्रत्याशियों को, क्या उनमें कोई भी ऐसा काबिल नहीं था कि इनके बीच से उठकर आए, या ये सोची समझी चीज थी? जिस प्रकार के समीकरण थे संभव है, जिस प्रकार के समीकरण है उसमें ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ होगा। और हमारे अच्छा। आप देखिए ना परिणाम भी आप देखिए जी। अच्छा। यादव साहब, उस्मानी साहब जवाब, यादव साहब आपके सामने सारी बात स्पष्ट है। सांगला साहब आपके पास आएंगे, उस्मानी साहब से जवाब लेते हैं। एक तरफ सांगला साहब एक मिनट हमें दीजिएगा, आपके पास आएंगे उस्मानी साहब, आप जवाब दीजिए इसका। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ कहा कि हमने 4 लोगों को टिकट दिया, 2 जीते, 1 मंत्री बनाया, यूपी में 1 भी टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार दावेदारी यही कि हमको सबको साथ लेकर चल रहे। जी सवाल यह है कि यूपी का एग्जाम्पल आपके सामने है, सवाल कर रहे हैं आप उस्मानी साहब, आपसे सवाल है मेरा, यूपी हाँ। का एग्जाम्पल आपके सामने है, भारतीय हाँ, जनता पार्टी ने एक भी अल्पसंख्यक समुदाय को वोट नहीं दिया हाँ। और राजस्थान में यह कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास और सर्वधर्म को लेकर हम चलने वाले हैं। देखिए मुसलमान हमेशा से एक बात चाहता है कि उसका उसके लिए काम हो और उसके लिए कार्यकर्ता हो, ये नहीं चाहता वो कि किसी धर्म के लेबल पर या धर्म की दृष्टि से उसका राजनीतिकरण हो। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम हमेशा ये चाहता है कि वो उसको अपना भाई समझे, उन्हें अपना समझे और वो फिर हृदय के साथ आगे बढ़ के आप लोगों के लिए समर्पित हो, ये उसकी अंदरूनी भावना होती है। उसकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मुसलमान की बहुत छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होती है, वो बहुत छोटी छोटी उम्मीदों के ऊपर खुश हो जाता है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे लीडर्स, हमारे मुस्लिम लीडर्स राजनीति के अंदर अपनी हिस्सेदारी नहीं देंगे हाँ। तो हमारा काम कौन करेगा हाँ। हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे, हम कहां जाएंगे अपनी बात को कहने, उस्मानी किस जगह जाके ये बात कहेंगे? ठीक है उस्मानी साहब, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी तो 10-15 साल से एक्टिव हुई है, ये जो हक मांगने के साथ यानी 70 सालों से जो उम्मीद पाली गई थी वो पूरी नहीं हुई, क्या कांग्रेस पार्टी को पूरा दोषी मान लिया जाए? क्योंकि भाई 70 सालों से वोट आपने इन्हीं को दिया है, वोट दिया उसके बावजूद 70 सालों बाद अगर ये हक मांगने की अगर स्थिति आ गई कि भाई हमें आप प्रतिनिधित्व दीजिए ताकि हमारा विकास हो सके, तो दोषी कौन है? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए हाँ। अभी पिछले 5 सालों में जो व्यवस्थाएं बदली हैं हाँ। जो स्थितियां परिवर्तित हुई हैं उसको हाँ। गौर करने की जरूरत है। उन 5 सालों के अंदर जो स्थिति बदली उसमें एक कांग्रेस की तरफ से भी एक पोलाइटनेस हिंदुत्व की, नरम हिंदुत्व की तरफ बढ़ने का वो हुआ और अब स्थिति ये हो गई कि हम लोग इस बात से थोड़े घबरा गए, हमारे एक विचार ये हो गए कि भाई हमें अपना अधिकार दो, हम जिस तरह सेकुलर थॉट्स के साथ मुसलमान के लिए बात की जाती है तो सेकुलरली वो आपके साथ जुड़े तो आप उसको उसी तरह से रखिए और उनका अधिकार उनकी परसेंटेज वाइज दीजिए, जो परसेंटेज उनका बनता है, जो उनकी जगह है उनको उसी तरह से दीजिए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित और खुश साहब खतरे की घंटी लग रही है, मंदिर जाना, जनेऊ पहनना और पीताम्बर पहन के मंदिर जाना, मुझे लग रहा है कि उस्मानी साहब के बयान से लग रहा है कि अब जो अब तक 70 सालों से होता रहा है, साथ मिलता रहा, वो थोड़ा छिटक रहा है। सांगला साहब, सर मैं उस्मानी साहब बड़े भाई हैं मेरे, मैं आपसे बहुत स्पष्ट निवेदन करूं कि एक तरफ आपके सामने बड़ी अभी राजनीतिक दल 2 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है हाँ। कि इतनी बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की होने के बावजूद एक भी प्रतिनिधि आपको नहीं मिला और नहीं, इस बात का ठीक है वो बात समझ गए हम, लेकिन एक भी विधानसभा जनता पार्टी चल रही थी, लेकिन जानबूझ करके सुनिए मेरी बात सुनिए जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चली उसी रास्ते पर तो आप भी चलिए, जिससे वो दूसरे और उस्मानी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मंदिर घूम रहे हैं उससे हमें डर लग रहा है, क्योंकि जो हमें पहले जगह मिलती थी वो नहीं मिल रही अब। कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड है, मंदिर भी जाए, मस्जिद भी जाए, गुरुद्वारे भी जाए, चर्च भी जाए, तमाम लोगों को तमाम जगह जाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कोई भी आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है, इबादत कर सकता है, लेकिन हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कांग्रेस पहले भी उचित प्रतिनिधि देती रही है और आगे भी बराबर प्रतिनिधि देती रहेगी। कोई उस्मानी साहब नाराज क्यों है ये बताइए। निश्चित रूप से अगर घर में एक व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, साहब अगर वाकई में ऐसा है तो उस्मानी साहब नाराज क्यों है? बच्चा कहना नहीं मानता, कह रहे हैं कि 5 सालों से हालात
हालात ऐसे हो गए हैं जो कांग्रेस के लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है, उसको ज्यादा बाला लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। निश्चित रूप से कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो उचित प्रतिनिधित्व पहले देते हैं उससे और अच्छा इजाफा करते हुए इसका प्रतिनिधित्व की मैं आपको जवाब दे देता हूं। उस्मानी साहब मैं आपको ये आपको बताना चाहता हूं, ये बार बार कथनी और करनी, कथनी और करनी बोल रहे हैं। अभी ये मंदिरों में जाने की बात कर रहे हैं, शशि थरूर ने बयान दिया है परसों, इनको वो याद होना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं की भी एक व्याख्या कर दी है और उन्होंने क्या कहा है हिंदुओं के बारे में, उसके बारे में कांग्रेस अपना स्टैंड बता दे क्या कहती है। नंबर टू, ये टिकट की बात करते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया, हमने राजस्थान में इतने टिकट दिए। अल्पसंख्यक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का, जहां तक विकास और कल्याण की बात है, आज कांग्रेस 50 साल के इतिहास में ये बता दे कि उनका कितना उत्थान हुआ, कितना काम हुआ। आज मेरे से ये आंकड़े ले ले भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के, कि उसमें चाहे अल्पसंख्यक समाज के हॉस्टल्स की बात हो, चाहे और किसी की बात हो, आज उसमें आज देखिए सवाल इस बात का है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति का, किसी भी समाज का उत्थान होना चाहिए, वो बराबरी पे आना चाहिए, साफ नियत से सही विकास होना चाहिए। सवाल इसी बात का है, अगर उस्मानी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है तो वो इसी वाजिब हक की मांग को लेकर, हम धर्म के आधार पर वो दे देंगे, इसी वाजिब हक की मांग को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे कि भाई सिर्फ हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, हमारी बातों को सुना जाए। अगर हमारी बातों को सुना जाता है तो हम संतुष्ट होंगे। वोट बैंक पे बिल्कुल कांग्रेस ने वोट बैंक पे इस्तेमाल किया है, हमने इनके कल्याण के लिए हमने काम किया है, हमने अल्पसंख्यक समाज का कल्याण किया है, हमारी सरकारों ने किया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और कांग्रेस ने हमेशा वोट समझ गए सर, समझ गए, हमारा डर समझ गए सर। उस्मानी साहब प्राप्त किया है, उस्मानी साहब आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी अगर मेरी बात नहीं मानती तो हम तीसरे रुक की तरफ, रास्ते की तरफ जाएंगे। वो तीसरा रास्ता क्या होगा, क्या कोई पार्टी का समर्थन करने वाले हैं या फिर सभी निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, हमने अपने प्रपोजल दोनों पार्टियों को दिए हैं, ठीक है, और हम पार्टियों से अच्छी उम्मीद रखते हैं। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रपोजल हैं, जो हमने सूचियाँ सौंपी हैं, वो हमारे हिसाब से पार्टियाँ हमारे वजूद का ध्यान रखते हुए काम करेगी, और हमें 99% इस बात का विश्वास है। लेकिन अगर 1% ऐसा होता है कि फिर भी हमारी अनदेखी हुई या वही, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की तरफ दृष्टि डालेंगे। ये हमारी मजबूरी होगी, ये हमारे पास मजबूरी का विकल्प होगा, वरना अगर पार्टियां हमें सपोर्ट करेंगी और पार्टियां हमारे साथ, जो हमारी प्रमुख पार्टियां हैं, तीसरा मोर्चा, वो तीसरा मोर्चा है क्या, और अगर ये चलती है तो हमें, उस्मानी साहब तीसरा मोर्चा है क्या, क्या बीएसपी का साथ देंगे, चाहे जो दूसरी छोटी पार्टियां उनका साथ देंगे या निर्दलीय जाएंगे, क्या होने वाला है? वो हम आगे जाके अपना स्टैंड जाहिर करेंगे जब समय आएगा। आज हमारी स्थितियां फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डिमांड पे है, हमारी बात कह रही की जा रही है, हम अपना दर्द और अपनी शिकायत बयान कर रहे हैं। तो सर यही दोनों आसपास बैठे हैं, पूछ लीजिए ना, पर लेंगे और क्या करेंगे। उस्मानी साहब दोनों लोग आसपास बैठे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, दोनों लोग आसपास बैठे हैं, बात आप बिल्कुल अपनी रख सकते हैं सामने। सांगला साहब आपका जवाब इनके ऊपर, इनके सवालों पर आप बता दीजिए, यही पर क्या पार्टी का स्टैंड है, साफ तौर पर संतुष्ट करिए आप। ताकीद करता हूं, उस्मानी साहब की बात को मैं तवज्जो देता हूं, उस्मानी साहब की बात बिल्कुल वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है, वाजिब है। लेकिन उस्मानी साहब को यह विचार भी करना चाहिए कि एक तरफ आपको 16 सीट मिल रही है, एक तरफ 4 सीट मिल रही है, आप कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, उसको कैसे जमीनी हकीकत में उतारा जा रहा है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारी हम कोशिश और कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा जहां पर भी उचित प्रतिनिधित्व बैठता है, जहां पर कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है, हम इन सीटों को और संख्या के पारिक साहब 20 सेकंड निश्चित रूप से इजाफा करेंगे। पारिक साहब कोई दो राय नहीं है, पारिक साहब 20 सेकंड आपके पास भी, ये आकलन भी करना चाहिए। एक तरफ आपके सामने बड़ी सर समझ गए आपकी बात समझ गए पारिक साहब, 20 सेकंड बहुत कम समय मेरे पास, कांग्रेस के बाद 10 साल रहा है। सांगला साहब समय कम है, पारिक साहब 20 सेकंड। साहब ने हिंदुत्व के बारे में बात, मैंने एक बात कही सर, मैंने ये बात कही है, वो आवाज़ गौर की है। आप मेरे जो भाई हैं, आपने मुझे जो बात कही कि साहब है ना, आप ये देखिए कि हम 16 सीट दे रहे हैं, अगर यहाँ 4 सीट दे रहे हैं वो ठीक है, मैं मानता हूँ ये 4 सीट दे रहे हैं, मगर हमारे वोट का बड़ा वोट जो है उनका जो हमारे तरफ से सहयोग है, उस वोटिंग जो हम मतदाता हैं
उसके आधार पर, बिल्कुल उसके आधार पर जो फैसला होना चाहिए, यही पार्ट आपकी मांग है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन समय कम है इसलिए चर्चा को यहां पर रोकेंगे। और दरअसल आज आपको बता दें कि जो दिन भर हमने सवाल पूछा है, क्या कांग्रेस और बीजेपी अल्पसंख्यकों का विश्वास खोती जा रही है, तो इसमें 69 यानी 79% लोगों ने कहा है हाँ, और 31% लोगों ने कहा है नहीं, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए कि लोगों के दिल में भी इस बात को लेकर बिल्कुल साफ तौर पर जो नियत है कि वाकई में दोनों पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन अब आगे देखना है कि पार्टियां क्या कुछ करने वाली है। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम आपको बता दें कि अब जो ऐसे समुदाय हैं जो अब तक वाकई में इस्तेमाल होते रहे, वो भी जागरूक होने लगे हैं, और अब दोनों पार्टियों के सामने धर्म संकट है कि वाकई में इनकी बातों को मानकर इनको मनाकर चला जाए या फिर ये संभव नहीं हो पाता है। हालांकि ये चुनाव में कुछ दिन पहले बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में आज फिलहाल इतना। जाओ।